morning children and welcome back to your GK class. In today's GK class, we will be doing lesson number 35, Compound Words. Compound Words is a very interesting chapter. ये एक बहुत ही interesting chapter है. इस chapter में क्या होता है, compound words का मतलब क्या होता है? दो अलग-अलग words होते हैं, जैसे कि honey. Honey मतलब शहद. Bee मतलब मक्खियाँ या फिर छोटे-छोटे flying insects. और उन दोनों को जब हम कंप्लीट कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है हनी बी. हनी बी एक नया वर्ड बन जाता है. दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनना कंपाउंड वर्ड कहलाता है. जो नया वर्ड होता है वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है. समटाइम्स टू सेपरेट वर्ड्स कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड, दे आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स. अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, बिलो आर पिक्चर्स ऑफ टू वर्ड्स. यहाँ पे आपको दो दो वर्ड्स की फोटो दी हुई है. आपको उन वर्ड्स को ज्वाइन करना है टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. जैसे कि ये किसकी फ़ोटो है, ये हेयर्स की फ़ोटो है, बालों की. एंड दिस इज़ अ ब्रश, हेयर प्लस ब्रश. इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बन गया, हेयर ब्रश. हेयर ब्रश यानी कि जिससे हम कॉम्ब करते हैं वो वाला ब्रश. वॉट इज़ दिस, इन दिस पिक्चर इट्स रेनफॉल, रेनिंग है ना, तो रेन. एंड दिस इज कॉल्ड धनुष. धनुष को हम क्या कहते हैं, बो. रेन बो. सो व्हाट विल बी राइट हियर, रेन बो. दिस इज अ फुट, किसी का पैर. दिस इज अ बॉल, फुट बॉल. हॉर्स शू, हॉर्स शू. सन फ्लावर, सन फ्लावर. काउ बॉय, काउ बॉय. ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई. स्टार फिश, स्टार फिश. इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, चिकन पी. ये सारे वर्ड्स भी दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू वर्ड बनाते हैं जिसका एक अलग ही मीनिंग निकलता है. सो दिस इज कंपाउंड वर्ड्स विच यू हैव टू डू टूडे इन योर बुक्स. एंड You can also search for some other compound words that you use in your everyday life. अब आप लोग, हम लोग इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, है ना. आप लोग ऑब्जर्व करना अपने आसपास कि आप अपने आसपास और किस किस कंपाउंड वर्ड को यूज़ करते हो, या फिर और जो आपके आसपास आप डेली यूज़ में वर्ड्स लाते हो, क्या वो कंपाउंड वर्ड्स हैं या नहीं. ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय. टुडे वी विल ऑल्सो बी डूइंग दिस चैप्टर, लेसन नंबर 36, एनाग्राम्स. एनाग्राम्स क्या होते हैं, एनाग्राम्स आर वर्ड्स ऑफ फेजेस फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स. जब हमें कुछ वर्ड्स रीअरेंज करके दिए होते हैं और उनको हम सही से अरेंज करते हैं और उनकी सही स्पेलिंग को फॉर्म करते हैं तो उन वर्ड्स को हम एनाग्राम्स कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल LOW, इसको हम और किस तरह से अरेंज करें कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने. लो इज़ द नेम ऑफ अ नाइट बर्ड. नाइट बर्ड कौन सा होता है जिसके नाम में LOW, ये तीन अल्फ़ाबेट्स आते हैं, आउल. सो लो इज़ द नेम ऑफ अ नाइट बर्ड यानी कि आउल. सोर इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसके नेम में SORE, चार वर्ड्स यूज होते हैं. रोज. स्लिप इज़ द नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फेस, आपके फेस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो SLIP, इन चार अल्फाबेट से फॉर्म होता है, लिप्स. शोर इज द एनिमल ऑफ अ डोमेस्टिक एंड यूज फॉर राइडिंग, इट इज़ अ हॉर्स. हॉर्स एक ऐसा डोमेस्टिक एनिमल है जो कि हम राइडिंग के लिए जिसको यूज़ करते हैं. अर्थ इज द नेम ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, अगर हम अर्थ के अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करें तो हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बनता है, दैट इज़ अवर हार्ट, हमारा दिल. वंस इज द नेम ऑफ अ सेंस ऑर्गन, यू ऑल नो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. सो विच ऑर्गन इज दिस जिसके नाम में ONES आता है, नोज. सो लो से बन गया आउल, सोर से बन गया रोज, स्लिप से बन गया लिप्स, शोर से बन गया हॉर्स, अर्थ से बन गया हार्ट एंड वंस से बन गया नोज. सो दीज आर द टू चैप्टर्स विच यू हैव टू डू इन योर बुक टुडे.